33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देव महादेव ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को मरते मरते तक गुरु मंत्र देकर विदा करते हैं। वो शिव है, वो शंकर है, वो कैलाश है, वो अविनाशी, वो शिव है। मंत्र शिव दानी, शिव दयालु, भगवान भोलेनाथ जी विराजमान। और शंकर को रिझाया केवल ये नहीं कि केवल देवताओं ने, भगवान विष्णु तक ने भगवान शिव की आराधना करी है। भगवान एक बार भगवान विष्णु ने आपको, हमने कहा था सावन के महीने में एक चावल का दाना शंकर को चढ़ा, बोला था आपको पूरे महीने श्रावण के महीने में एक चावल का दाना शिव को चढ़ा। इसी तरह से सावन के महीने में भगवान विष्णु ने भी एक नियम लिया कि एक कमल का पुष्प, 108 कमल के पुष्प मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा। कितने कमल? 108 कमल के दल शिव को समर्पित करेंगे। अब भगवान विष्णु प्रतिदिन लक्ष्मी जी से कमल के फूल बुलवाते और कमल के पुष्प बुलवाकर भगवान नारायण शंकर जी के शिवलिंग को चढ़ाता। ओम नमः शिवाय, एक ओम नमः शिवाय, दो ओम नमः शिवाय, तीन ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभी तो 15 हुए, 108 बार बोलना। अच्छा सोचो, अपनी तो ये हालत हो गई केवल 15 बार बोलने। जब भगवान कृष्ण के यहाँ सुदामा जी आए थे, सुनिए कथा, सुदामा जी आए तो सुदामा जी रुके तो कन्हैया ने अपनी धर्म पत्नियों से कहा, 16,108 रानियों से, आज मेरा मित्र आया, सब आकर प्रणाम करना हो। और सुदामा जी के पास में कन्हैया जी बैठ गए और एक एक रानी आती जा रही थी और भगवान सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, अब गिनते जाओ कितनी हुई अभी, तीन, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, कितनी हो गई? 16,108 बार बोलना। अब भगवान सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे, लाइन से आते जा रहे। अब 15-20 निकली, 50 निकली, उसके बाद सुदामा जी ने पूछा, देख ये तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। भाव भाव अखंड सौभाग्य सब गया। भाव 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 और सो सवा सौ निकली। सुदामा जी पूछे, देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। हो अब और 100-200 निकली। सुदामा जी पूछे, कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। अच्छा एक काम कर, ये तू एक काम कर, इन सबको तो जान दे, तू पांव पड़ ले, तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, सबको लग जाएगा। इतनी सारी है, बता एक बात सुन, इन सबको आशीर्वाद देते देते मुझको आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी। इतने में कन्हैया जी बोले, सुदामा जी अभी तो तेरे घर की बहुएं आई हैं, अभी इनके बच्चे भी आएंगे। सुदामा जी ने पूछा, बच्चे कितने हैं? तो कि एक एक के 11-11, 1,77,186। सुदामा चक्कर खा के नीचे गिर गए, मुझे मेरे घर छोड़ दिया, ये घरे की जिला है, मुझे घर छोड़ दिया, मेरे को नहीं देना तेरे द्वारका में।
भैया इतनी बड़ी द्वारका, एक के घर में घुसो दूसरे के घर में निकल जाओ, दूसरे के घर में घुसो तीसरे के में निकल जाओ, मालूम नहीं पड़ता कौन से दरवाजे से घुसा था, इसलिए उसका नाम है द्वारका। द्वारका सुदामा जी द्वार ढूंढ ढूंढ के थक गए, इसलिए उसका नाम द्वारका। द्वारका 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 तो नाम पड़ गया द्वारका। तो बोलो भगवान विष्णु ने कमल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय। कितने पे थे? सोलह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़ते चले जा रहे, और यही ओघड़दानी की। ये नहीं कि केवल एक नारायण ने आराधना करी, आराधना स्वयं गणेश की करें, आराधना स्वयं कार्तिक करें, आराधना स्वयं ब्रह्मा करें, आराधना स्वयं इंद्र करें। जिसको जिस तरह से शिव को मनाना था, शंकर से जो चाहिए था, वो शंकर से प्राप्त कर, हर तरह की आराधना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि तुम कथा में सही चल रही हो। सावन के महीने में रोज एक कमल का पुष्प, 108 कमल रोज शंकर भगवान को भगवान विष्णु चढ़ाते थे। सावन पूरा निकल गया, आखिरी दिन, और आज भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न, आज मेरा नियम पूरा हो गया। आज मेरा नियम, और आज भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की परीक्षा ले ली। 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प शंकर भगवान ने चुरा छुपा, और भगवान बहुत परीक्षा लेता है। पर एक बात याद रखना, भगवान परीक्षा ले, तुम्हें दुख दे, खूब दे, उस दुख में भी अगर तुम हस्ती मिलती हो ना, प्रसन्न मिलती हो ना, उस दुख में भी आपके चेहरे पर अगर स्माइल है, तो भगवान कहते हैं कितनी गजब है, इसको इतना दुख देने के बाद भी प्रसन्न है। तब भगवान कहते हैं जा, अब तो सुख ही सुख भोग। और जो दुख पाने पर रोता है, आंसू बहाता है, भगवान कहते हैं रो ले, और रो ले जा, क्यों रो? किस लिए रो रहा है? दुख में भी बहुत प्रसन्न रही, दुख में भी बहुत आनंदित रहे, कष्ट बहुत हो, माना महाराज आप तो कह रहे हो कि दुख में हंसते रहो, पर कोई दुख में हंस पाता है क्या? नहीं, कौन हंस? ये बात एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने विचार करा, मैं वृद्ध लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम बनाऊं। रामकृष्ण परमहंस जी जगह जगह चंदा लेने गए, दान लेने गए, डोनेशन लेने गए, आप दान दे दो, दान दे दो, सबने दिया। एक गांव में रामकृष्ण परमहंस गए, तो गांव का जो सरपंच था उसने कहा, ये रामकृष्ण परमहंस आया है, अपने गांव से एक रुपया भी नहीं देंगे अपन, इसको अठन्नी भी नहीं देना, इसको एक पाई मत देना। गांव के लोगों ने रामकृष्ण परमहंस को कुछ नहीं दिया, रामकृष्ण परमहंस जी वहीं रह गए। गांव में कोई मर गया, मर गया तो लोग उसको लेके जा रहे थे, उसके ऊपर मखाने पैसा और फूल फेंक रहे थे। रामकृष्ण परमहंस झोली को करके लोग उसके ऊपर फेंक रहे, रामकृष्ण परमहंस उठा उठा के झोली में रख रहे। गांव के लोगों ने पलट के देखा, कैसा पागल है, कैसा मूर्ख है ये, इतना बड़ा संत होकर मरे हुए का पैसा उठा रहा। गांव के लोगों ने पैसा नहीं दिया तो मरे का उठा लिया। रामकृष्ण परमहंस जैसे पहुंचे शमशान, मुर्दे को चिता पर सुलाया, रामकृष्ण परमहंस ने कहा रुको भैया रुको,
मुझे माला पिनाना है। राम कृष्ण परमहंस ने माला ली, मुर्दे को पिनाई। गांव के लोगों ने कहा, मुर्दे को माला क्यों पिना रहे, ये कोई तेरा रिश्तेदार? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, भैया सारे नगर में पूरे गांव गांव गया, पर ऐसा गांव नहीं मिला जिस गांव में मुर्दा भी इतना दान करके चले गया, जिस गांव में मुर्दा भी इतना दान करके चले गया, ऐसा गांव नहीं मिला। तब नगर के लोगों ने सोचा, बताओ मुर्दा इतना दान कर रहे तो अपन जीते जी क्यों ना दान करें। तब लोगों ने दान करा। तो घबराना नहीं, रामकृष्ण परमहंस घबराए नहीं। लोगों ने चंदा नहीं दिया, दान नहीं दिया, डोनेशन नहीं दिया, रामकृष्ण परमहंस नहीं घबराए, आखिरी में शमशान तक चले गए। उसी तरह दुख आए तो रोना मत, तकलीफ आए तो रोना मत, कष्ट आए तो रोना मत, और अगर रोना भी तो मेरे भोलेनाथ के चरणों में जाकर रोना। जो दुनिया के आंसू पोंछता है वो तेरे भी पोंछ देगा। नहीं ना जल भी आए भैया, तीन किस्मत वाले थे, कितने? तीन। एक दशरथ जी महाराज, जिनके घर में राम जन्म, कितने किस्मत वाले होंगे। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा, कितने किस्मत वाले होंगे। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया और मरने पर प्राणों को राम की गोद में त्यागा। मरा का राम की गोद। इन तीन किस्मत वालों में सबसे ज्यादा किस्मत वाला था गिद्धराज जटायु। क्यों? दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ के जब प्राण छूटे तब राम पास में नहीं थे। भीष्म पितामह ने जब प्राणों को त्यागा कृष्ण पास में नहीं थे, पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया पर जब प्राणों को त्यागा तो राम की गोद को पाया। कितना किस्मत वाला होगा। यही शास्त्र कर रहा है, यही शिव पुराण कर रही है। बचपन निकल गया, निकल जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, क्योंकि बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन नरक हो गया। बुढ़ापे को मत बिगड़ने। शास्त्र कहता है भगवान के आगे झुक जाओ, बचपन में झुक जाओ भगवान के आगे, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे दंडवत करो। जवानी में भी नहीं कर पाए तो अधेड़ी तक भगवान के सामने झुकना सीख जाओ। अगर अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाएगा कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देगा, फिर दुनिया के आगे झुक के चलना पड़ेगा, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। झुकी जा रही है, अरे बोलो तो अच्छे से बोलो, प्रेम से आज और बोलना, और 15 मिनट बचा, अच्छे से बोलो। झुकी जा रही है कमर, ले लो हरि का भजन, बहुत कुछ भी नहीं रहना है, सारा सोफा सेट निकल जाना है। खूब किराए की खोली है, किराए का मकान, और जिस दिन मकान मालिक आ गया और कहा चल ओ भेरू से, फिर क्या कहोगे? अरे ये तो हमारा 80 साल से ले रहा है, 90 साल से ले रहा है इस किराए के मकान में, हमारा है। छत बेकार हो गई तो छत सुधरवा ली, खिड़कियां खराब हो गई तो खिड़की दरवाजे सुधरवा,
नीचे का फर्श बेकार हो गया तो फर्श सुधरवाया, रंग खराब हो गया तो रंग करवाया। ये किराए का मकान नहीं हमारा है। इतने में मकान मालिक ने फिर धक्के देकर निकाला, फिर रोया किराए के मकान को देखकर। यही किराए का मकान, छत खराब हो गई, छत सुधरवा ली, खिड़की दरवाजे खराब हो गए, किसी किसी की तो पूरी चौखट ही निकल गई, चौखट किराए फर्श निकल गया, तो क्रेक क्रीम लगा लगा के फर्श सही करा, किसी किसी की तो कलर ही निकल गया, फिर कलर करवाया। किराए के मकान से इतना प्रेम हो गया कि मरने को तैयार नहीं, मैं नहीं मरूं, भगवान के निकलना तो पड़ेगा। जो की जा रही है ले लो प्रभु का भजन, कर लो हरि का भजन। चली जा रही है उम्र, कहां बचपन था, कहां जवानी आई, कहां अधेड़ी आई और कहां बुढ़ापा आ गया, सब सब तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना हंस अकेला रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे। बोलो बोलो भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा। सुजानपुर वालों बोलो, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे, जितने रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले भी हमें जिस दिन जाना पड़ेगा उस दिन छोड़ छोड़ कर सब दूर हट जाए। अकेले चिता पर सोना है, अग्नि में अकेले जलना है,
और परिवार वाले सब खड़े खड़े देखते रहे, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा कबीला। तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भजरा के गोविंदा रे, भजरा के गोविंदा रे, भजरा के गोविंदा रे, भजरा के गोविंदा रे, पकड़े भजरा के गोविंदा रे, भजरा के गोविंदा रे। यहाँ जीवन केवल एक पानी का बुलबुले की तरह है, कब आए कब चले, कुछ अच्छा कर्म कर कर जाओगे तो लोग भी याद रखेंगे कि अच्छा करा। खूब कथा होती है सुजानपुर में, पर ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण जो सुनी उसमें आनंद आया कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बोलो, अच्छे से आया ना आनंद? जो पुराण हम श्रवण कर रहे हैं उस पुराण का तत्व बिंदु जाना, सब सब भगवान नारायण ने 108 कमल के पुष्प समर्पित किए। एक कमल का पुष्प आज भगवान शिव ने छुपा लिया। परीक्षा सबकी होती है, परीक्षा सबकी ली जाती है। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो कोई पहले सुख भोग लेगा, बाद में दुख भोगेगा, और कोई पहले दुख भोग लिया तो बाद में सुख भोग भोगना। लड्डू सबको खाना है कर्म का, सब सब और शास्त्र कह रहा है, शास्त्र वर्णन कर रहा है। एक कमल का पुष्प जब छुपाया गया, भगवान उसको ढूंढने निकले। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आज सावन के महीने का आखिरी दिन और मेरा नियम अधूरा रह जाएगा, तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से पुष्प ढूंढ कर लाओ, जल्दी जल्दी जाओ। लक्ष्मी जी गई कमल का पुष्प ढूंढने के लिए, कोई सरोवर में, कोई तालाब में, कहीं पर माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प नहीं, वापिस प्रभु हमें कमल नहीं मिल रहा, हमें कमल का पुष्प नहीं मिल रहा। भगवान बोले कमल नहीं मिल रहा, नहीं, अगर कमल नहीं मिला तो नियम अधूरा रह जाएगा, करूं क्या? इतने में पीछे से देवऋषि नारद आ गए, श्रीमान नारद। नारद जी ने आकर कहा, प्रभु बहुत चिंता में हो, क्या बात है? भगवान बोल रहे हैं हमारा नियम अधूरा रह गया, 108 कमल के पुष्प चढ़ाना थे, आज 107 निकले और कहीं कमल नहीं मिल रहा, क्या क्या आप बता, कमल नहीं मिल रहे हम क्या? इतने में भगवान नारद जी ने कहा, मैंने सुना है नेत्र को भी कमल कहते हैं। इतने में लक्ष्मी जी बोली, ए नारद, आग लगाने आ गया क्या? मेरे पति का एक आंख फुड़वाएगा तू? क्या मेरे पति की एक नेत्र निकलवाएगा तू? इतना तो नारद जी ने सुना। नारद जी कहे, मैं तो कहने आया था कि नेत्र को कमल कहते, भगवान चले गए। इतने में तो लक्ष्मी जी बोले, उतनी देर में भगवान विष्णु ने त्रिशूल उठाया,
और अपना एक नेत्र भगवान नारायण ने निकाल कर शिव जी को चढ़ा दिया। भगवान शंकर के अभी तक दो नेत्र थे, एक नेत्र भगवान विष्णु ने दे दिया तो तीन नेत्रधारी हो गए। कितने नेत्र? तीन नेत्र। अब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, शिव जी ने कहा अरे नारायण आपने अपना नेत्र मुझे दिया है इसलिए मैं अपना सुदर्शन चक्र आपको देता हूँ। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। शंकर जी हो गए तीन नेत्रधारी और भगवान विष्णु हो गए सुदर्शन चक्र तीन। प्रधान चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। तो ये आज माता पार्वती कह रही हैं भगवान शिव से मुझे नंदन वन लेकर। नंदन वन मतलब आपको कहा था भैया काशी, मौका मिले तो जिंदगी में एक बार काशी में शिव महापुराण की कथा अवश्य सुनो। अगर मौका मिले तो जीवन कभी काशी में शिव पुराण की कथा हो रही हो कहीं सूचना मिल जाए आपको तो जाकर सुन लो। और कभी योग लगा हमने भी अगर काशी में कथा रखी तो आपको जरूर बुलाएंगे। सुजान हमारा नियम है आप समिति का, हमारी मिठले सेवा समिति का, कि जो लोग भी व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं हम उनको रेगुलर सूचना देते रहते हैं कार्यक्रम कि अगला कार्यक्रम कहाँ, अगला कार्यक्रम कहाँ। आप जय पारस चैनल पर जब कथा चलेगी 27 तारीख से दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक उस पर भी व्हाट्सएप नंबर चलेगा, आप उसको अपने व्हाट्सएप से जोड़ लेना और लिख के भेज देना सुजानपुर से, तो आपको भी सूचना आना चालू हो जाएगी कि अगली कथा कहाँ है, कहाँ चल रही है, कब कब कथा टीवी पर सूचित। भगवान शिव की भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे भैया ने हर हर महा। माता पार्वती कह रही हैं हमको नंदन वन लेकर चल, काशी लेकर चल और हम काशी जाना चाहते हैं। आप काशी भगवान शिव माता पार्वती को काशी में नंदन वन में लेकर गए और नंदन वन में माता पार्वती जब पहुंची इतने में भगवान शंकर को तुरंत देवताओं ने बुलाया। भगवान देव देव और भगवान शंकर दौड़कर नंदन वन से माता पार्वती को छोड़कर देवलोक पर जाने लगे कोई काम से। इतने में पार्वती जी ने कहा प्रभु हम अकेले यहाँ पर रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ करिए हमारा एकांत मिट जाए, हमारा शोक हमारा दुख हमारा एकांत दूर हो जाए, उसके लिए कुछ करिए। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा पार्वती एक काम करो, ये सामने कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा एकांत समाप्त होगा, तुम्हारा एकांत मिट जाएगा। ठीक है शंकर जी तो गए और माता पार्वती ने कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर कहा हे वृक्ष देव आपसे आपसे मैं एकांत मिटाने के लिए अपनी एक पुत्री को चाहती हूँ। और कल्प वृक्ष से माता पार्वती ने तप कर कर एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम था शोक दूर करने वाली अशोक सुंदरी। क्या नाम है? अशोक। अब कितनी लड़कियां होगी भगवान की? 6। अशोक सुंदरी के लिए आपको पहले कथा में कहा
जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है उसमें जो बीच में एक लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की, उस अशोक सुंदरी की लाइन पर आप अक्षत आदि का पूजन करना प्रारंभ कर दें, आपका विवाह शीघ्र हो जाए। अशोक तभी अशोक सुंदरी प्रकट हो, और अशोक सुंदरी प्रकट हुई। अशोक सुंदरी ने उसी समय प्रकट होकर भगवान माता पार्वती से कहा, माँ मेरा नाम क्या है? माता पार्वती ने कहा, बेटा तुमने जन्म लिया है मेरे शोक को दूर करने के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरे एकांत को दूर करने के लिए, इसलिए तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी कहलाएगा। और माता पार्वती के साथ में उस अशोक सुंदरी ने गरबा रहा। गरबा गुजरात में होता है, सबसे पहला गरबा अशोक सुंदरी ने माता पार्वती के साथ कर रहा था, इसलिए आज भी नवरात्रे में गरबे की महत्वता है। आज सर्वप्रथम गरबा अशोक, आगे चरित्र आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का, और भगवान के मूल भौतिक स्वरूपों का अंतर करते हुए भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए, जग उद्धार के लिए मेरे शंकर भगवान ने ओम अक्षर को प्रकट किया। किसको प्रकट करा? ओम। काय से प्रकट करा? भगवान शंकर ने गौ माता के सम्मुख में खड़े होकर बहुला गाय के मुख से ओम का उच्चारण करा, इसलिए आज भी गाय के बछड़े गाय रंभाती है तो ओम के कर रंभाती। ओम ओम ओम, आपने सुना हो? ओम ओम अक्षर समय आया। आगे सुंदर भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को वेद व्यास जी श्रवण करा रहे। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ आनंदमय भाव से श्री तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी जिस कथा को श्रवण करने के बाद संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का फल मिलता है, ऐसी पुण्यमय कथा को श्रवण कराई। तब भगवान शंकर की साक्षी में तुमरुका जी ने चंचुला देवी के पति बिंदु को मोक्ष देने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कहना प्रारंभ करी। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। बोल सोमेश्वर भगवान की हर हर महा। एक बार दक्ष प्रजापति की कन्या 27 कन्याएं आकर अपने पिता से कहती हैं, पिताजी आपका जो जमाई है चंद्र, ये केवल एक पत्नी को चाहता है, रोहिणी को, बाकी के हम किसी को नहीं चाहता। प्रभु पिताजी आप उनको समझाइए। जमाई को बुलाया दक्ष प्रजापति ने, और जमाई को बुलाकर दामाद को जमाई को बुलाकर समझाया, पर जमाई दो दिन ठीक रहा, वापिस वैसा की वैसा हो गया। इतने में क्रोध आ गया, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कहा, ए चंद्रदेव मेरी 27 कन्या तेरे को बिहाई और 27 लड़कियों की शादी तेरे साथ में करी, पर तू एक कन्या को ज्यादा चाहता है, बाकी को देखता नहीं। तुझे काया का बड़ा घमंड है, अहंकार है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी काया गल गल के नीचे गिरे, तुझे क्षय रोग हो जाए, काया का रोग हो जाए, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। चंद्रदेव को श्राप लग गया, चंद्रदेव का शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा, और चंद्रदेव का शरीर जब गलगल के नीचे गिर रहा था, चंद्रदेव ने भगवान देवऋषि नारद को बुलाया, नारद जी मेरा शरीर गल रहा है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, आप कुछ करो। चंद्रदेव के शब्द को सुनकर नारद जी ने कहा, एक काम करो चंद्रदेव, तुम भगवान शंकर का शिवलिंग बनाओ और उसकी आराधना करो। समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करी।
वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हो गए, चंद्रदेव को वर प्रदान करा, काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी वहां पर सदा विराजमान हो गए, चंद्रदेव वहां उनके मस्तक पर विराजमान हुआ और उसी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ, सोमनाथ। गयो सोमनाथ सौराष्ट्र की भूमि पर, समुद्र के तट पर सोमनाथ जी विराजमान। बोल सोमनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्री सेलम पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए। भगवान शंकर और पार्वती उनको मनाने के लिए गए, मनाने के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव और पार्वती वहां पर विराजमान। आज भी मल्लिकार्जुन में 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन में दो ध्वजा लगती है, एक सफेद एक लाल। जब अमावस्या आती है तो लाल ध्वजा अपने आप हिलने लगती है, और जब पूर्णिमा आती है तो श्वेत ध्वजा अपने आप हिलने लगती है, क्योंकि अमावस्या को माता पार्वती अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने आती है, और पूर्णिमा के दिन भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए। भगवान ऐसे भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल। कहां पर है महाकाल? उज्जैन। एक दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता है, खून पीता। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। हे भोलेनाथ, आप कृपा करिए, करुणा करिए, इस दूषण नाम के राक्षस को मार गिराइए। तभी भगवान शंकर उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकट हुए और शिव जी का एक नाम पड़ गया, महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर महाकाल के रूप में विराजमान। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर, जो नर्मदा जी के पावन तट पर बिंद नामक पर्वत के पास में, बिंद पर्वत में नर्मदा के घाट पर ओम अक्षर का उच्चारण कर भगवान शिव को प्रकट करा। शंकर जी वहां पर विराजमान हुए, ओमकारेश्वर के रूप में विराजित होते। ओम अक्षर में शिव छुपा, इसलिए ओम का नाद करते रहे। ओम का नाद करते गाय को रोटी दे तो ओम बोलो, घर में फ्री रहो तो ओम बोलो। ओम शिव और शिव ही। इस ओम को चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, चाहे आदि कादि जितने भी धर्म होते हैं, जितनी भी कौमें होती हैं, सब में ओम लिखा जाता है। वो अपनी अपनी भाषा में लिख लेते हैं। इसलिए ओम रूपी मुख से गोविंद कहो प्यारे, ओम रूपी मुख से गोविंद, ओम रूपी मुख से गोविंद। बोलिए गोविंद कहो प्यारे, गोपाल कहो प्यारे, गोविंद कहो प्यारे, गोपाल कहो प्यारे, हरि ओम मुख
से गोविंद का हो प्यारे हरि ओ, पीछे वाले भी हे हरि ओ, मुख से गोविंद का हो प्यारे हरि ओ, एक बजे एकल राम, दो बजे दुलारे राम, एक बजे एकल राम, दो बजे दुलारे राम, एक बजे एकल राम, दो बजे दुलारे राम, तीन बजे त्रिलोकीना जपा करो प्यारे, हे ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे, अरे भाव चार बजे चतुर नारायण, पांच बजे परमेश्वर, चार बजे चतुर नारायण, चार बजे चतुर नारायण, पांच बजे परमेश्वर, चार बजे चतुर नारायण, छह बजे छवि ले राम जपा करो प्यारे, छह बजे मुख से गोविंद कहो प्यारे, आओ से पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाओ, बजे सत्य नारायण, आठ बजे अंधेश्वर, सात बजे सत्य नारायण, सात बजे सत्य नारायण, आठ बजे अंधेश्वर, सात बजे सत्य नारायण, नौ बजे नागेश्वर राम
जप करो प्यारे नाम जय हे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे दस बजे दशरथ नंदन ग्यारह बजे गिरधारी 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 और बारह बजे बद्री नारायण जप करो प्यारे बारह बजे बद्री नारायण हे ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे ओम रूपी मुख से हे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है ओमकार में शंकर है और शंकर में ओमकार समाहित दोनों सम ओम और शिव दोनों एक ओम और शिव ओमकार ईश्वर में भगवान शिव विराजमान अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ केदारनाथ जी की कथा आपको कह सके भगवान तारकासुर के बेटों को मारने गए थे बड़ा नंदी का रूप रखकर गए उनका सिर काटा गया सिर गिरा नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात और भगवान का धड़ केदारनाथ दूसरी कथा नर नारायण पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी शंकर को अपना बनाने के लिए तब भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान बोल केदारनाथ भगवान की अगला वर्णन आया है भीमा शंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी जिसका नाम था करकटी क्या नाम था किसकी पत्नी थी कुंभकर्ण करकटी का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम क्या नाम था भीम करकटी का पुत्र कुंभकर्ण की पत्नी के पुत्र का नाम है भीम और देखो उस भीम ने क्या कृत्य करा ये जितने भी भीम हुए हैं ना एक बहुत छुपे रुस्तम एक भीम पांडवों के साथ एक भीम ये क्या करा इसने ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ करा यज्ञशालाओं को तोड़ना चालू करा माँ से पूछा माँ मेरे ताऊ और चाचा को किसने मारा मेरे पिताजी को किसने मारा देवताओं ने देवताओं की पूजन ही नहीं होनी कहीं पूजन नहीं होनी
देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, भीम को मारा, तो शंकर जी का एक नाम भीमा शंकर हो गया। भगवान का एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ, मनु सतरूपा ने भगवान शिव को गंगा के तट पर स्थापित करा। दो ज्योतिर्लिंग, बारह ज्योतिर्लिंग में दो ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो देवताओं ने स्थापित करा। एक राम जी ने स्थापित करा रामेश्वर में राम जी के हाथ में, और एक काशी का जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है वो शनि महाराज के हाथ में। इसलिए आज भी नियम है जिसको शनि लग जाए, धैया लग जाए, साढ़े साथी लग जाए, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी को हाथ में रखो, अपना नाम बोलो, गोत्र बोलो, काजल की डिब्बी को ले जाकर एकांत में कहीं खड्डा खोद कर और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर उसको दबा दो, जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी शनि कष्ट नहीं। क्यों? दुनिया को शनि लगता है और शनि को शंकर लग जाता है। शनि को कौन लग गया? अरे बोलो तो, शंकर। दुनिया को शनि लगा और शनि को शंकर लग गया। बाबा बोलो, एकांत में जाकर काजल डिब्बी को डाल दीजिए, शनि समाप्त हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की स्थापना स्वयं शनि महाराज ने करी है, मनु और शत्रुता दोनों वहां पर आनंद से विराजित हुए, भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए, पांच कोस की काशी हुई। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम मुनि पर गौ हत्या का दोष लगाया गया, गणेश जी गाय बनकर आए और गौ हत्या का दोष लगाया। तब गौ हत्या के दोष का निवारण पाने के लिए गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाकर आराधना करी। शिव जी तीन रूप में विराजमान हुए। पूरी पृथ्वी पर केवल एक त्र्यंबकेश्वर ऐसा है जहां पर शिवलिंग नहीं दिखता, जहां केवल खड्डा है। उस खड्डे में अंगूठे के आकृति के तीन शिवलिंग, ब्रह्मा विष्णु और मां से जल की धारा बहती रहती है, भगवान शिव का त्र्यंबकेश्वर के रूप में भगवान तीन। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री वेदनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे पर भगवान शंकर का भजन नहीं सह पाए, रख दिया, तो वेदनाथ जी के रूप में शिव जी पर रावण ने अपने मन की अभिलाषा तो पूरी कर ली। उसको एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करना थी और उसने करी। कहां का ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई थी उसने? रामेश्वर के ज्योतिर्लिंग। जब हनुमान जी को भेजा, हनुमान जाओ कोई विद्वान ब्राह्मण को ढूंढ कर लेकर आओ जो मेरे यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराए, और हनुमान जी रावण को लेकर आए। रावण ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई थी रामेश्वर धाम में बैठकर, और राम जी ने रामेश्वर में रावण के चरण धोए थे। तब रावण ने आशीर्वाद दिया था विजय भव राम को, तो हनुमान जी ने कोनी मार के कहा, क्यों रे हार गया क्या? रावण बोला, हारा नहीं, ये गुरु की गादी, इस गादी पर बैठकर कोई गुरु अगर पूजन कराता और इस गादी पर बैठकर जो आशीर्वाद देता, भाई आशीर्वाद मैंने दिया है इस राम। युद्ध के मैदान में तो राम मेरा दुश्मन है, वहां मैं लड़ूंगा, पर यहां मैं ब्राह्मण हूं, मैंने आशीर्वाद। वेदनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करे और भगवान यहाँ पर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। जिस
माता बहन को, जिस भाई को सपने में, स्वप्न में सर्प दिखते हो, नाग दिखते हो, सांप नजर आते हो, तो एक पान के पत्ते पर लाल चंदन से सांप बनाकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर बहते हुए पानी में विसर्जन कर दो, सांप दिखना बंद हो जाता है। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वर, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जिसको राम जी महाराज ने लंका जाने से पहले, चढ़ाई करने से पहले स्थापित किया, रामेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, एक सुदेहा एक घोषमा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई तो घोषमा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने बेटे को बड़ा करा, शादी कर दी। बच्चा जब बड़ा होकर गया, शादी होने के बाद पत्नी आ गई, पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घोषमा है, सुदेहा मेरी सास नहीं है, ये तो सोता है। सुदेहा की सेवा नहीं करी, सुदेहा को क्रोध आ गया कि बेटा है तो बहू, अगर मैं बेटे को मार डालूंगी तो बहू भी चली जाएगी। सुदेहा ने एक दिन तलवार उठाकर अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर एक कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया, पानी में डाल दिया। घोषणा का नियम था, प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग बनाती थी और तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज विसर्जन करने चली तो मन में आया भोलेनाथ, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, मैंने बहुत दिनों से अपने बेटे को नहीं देखा है, मुझे मेरे बेटे का दर्शन करा दे। जैसे ही बालू रेत का शिवलिंग तालाब में विसर्जन करा, वैसे ही घोषमा का बेटा तैरते तैरते बाहर निकल कर आ गया। घोषमा के बेटे को भगवान शंकर ने आजीवित करा, इसलिए शिव जी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया।